अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज शदा मकसूद। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ओप्पो F19 Pro को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 21 मार्च को ये डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की जाएगी। 21 मार्च को इसका एक इवेंट होने जा रहा है, जिसमें आपको ये डिवाइस एक दो वीक्स के लिए प्री ऑर्डर्स में अवेलेबल होने वाले है। तो उसके बाद में ये डिवाइस ऑफिशियल पाकिस्तानी मार्केट में आपको मिलने वाली है। मिटने प्राइस टैग में आपको ये ओप्पो की डिवाइस प्रोवाइड की जाएगी। सो आज की वीडियो में हम ओप्पो F19 Pro की तमाम स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं, और एट द एंड इसका एक्सपेक्टेड प्राइस टैग भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यार जो दोस्त चैनल पर नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना वक्त है कि हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके कैमरा सेटअप को देखा जाए तो बैक पर इस डिवाइस में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा, एंगल लेंस 8 मेगापिक्सल का होने वाला है, जबकि रिमेनिंग दो कैमरे 2 मेगापिक्सल के लेंसेज इस डिवाइस में पैक किए जाएंगे। और बैक पर आपको एक LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। फ्रंट पर आए तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर इस डिवाइस में पैक किया जाएगा, जो कि HD रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला है। आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। 2.2 GHz ऑक्टाकोर की स्पीड इस डिवाइस की होने वाली है। साथ में यहाँ पर आपको मीडियाटेक हेलियो P95 की चिप प्रोवाइड की जाएगी, जो कि 12 नैनोमीटर वाली है। आई थिंक यहाँ पर आपको क्वालकॉम की कोई भी चिप प्रोवाइड कर दी जाती तो इस चिप से वो बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती। तो खैर अगर इसके GPU को देखें तो पार VR GM9446 का GPU डिवाइस में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ें तो सुपर AMOLED टच पैनल इस डिवाइस में पैक किया जाएगा, जिसका साइज 6.43 इंच होने वाला है, और ये डिस्प्ले आपको 1080x2400 पिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। यहाँ पर आपको ऑटो दी बॉक्स कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5G प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाएगी। इंटरनल स्टोरेज को डिस्कस करें तो ग्लोबली तो इसके दो वेरिएंट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वन 8GB ऑफ रैम 128GB ऑफ रोम वाला वेरिएंट है, एंड सेकंड वन 8GB ऑफ रैम 256GB ऑफ रोम वाला वेरिएंट है। तो फर्दर आपको इसके लॉन्चिंग इवेंट में इसके वेरिएंट्स को कंफर्म कर दिया जाएगा कि कौन से वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं। सो खैर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इस डिवाइस में पैक किया जाएगा। अब अगर इसकी बैटरी को देखें तो 4310mAh की बैटरी इस डिवाइस में पैक की जाएगी, जो कि एवरेज है। और साथ में आपको 30W फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट अवेलेबल होने वाली है। तो यहाँ पर कोई भी फास्ट चार्जिंग की स्पोर्ट वजह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला। अब एट द एंड अगर इसके हम प्राइस को देखें तो कन्फर्म प्राइस तो अभी तक इसकी रिवील नहीं की गई, लेकिन एक्सपेक्टेड प्राइस टैग इसका अराउंड अबाउट 50,000 होने वाला है। 50,000 में आपको ओप्पो की ये डिवाइस मिलेगी। यू नो कि ओप्पो का जो कैमरा सेटअप होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर क्वालिटी का होता है, लेकिन इस डिवाइस में आपको जो चिप है वो 12 नैनोमीटर वाली प्रोवाइड की जाएगी, जो कि नॉर्मली इन्फिनिक्स और टेक्नो जैसी डिवाइसेस में आपको एंट्री लेवल प्राइस टैग में देखने को मिल जाती हैं। सो ये भी अच्छी चिप है, लेकिन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की चिप अगर इस प्राइस टैग में आपको जो कि ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो बेटर परफॉर्मेंस इससे प्रोवाइड करती। सो खैर ये था कि वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए या चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो तक ले जल्दी जल्दी। इसमें शदाब, अल्लाह हाफिज़।